आज हम बनाएंगे सच्चा साबु साबुदाना नवरत्न टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबु का साबुदाना। एक कप सच्चा साबु साबुदाना ले, इसे दो कप पानी में 3 घंटे के लिए भिगो ले। स्टफिंग के लिए चाहिए 1 छोटा चम्मच पिस्ता, 1 छोटा चम्मच किशमिश, 1 छोटा चम्मच अखरोट बारीक कटा, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च और अदरक, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा बादाम। नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए भून लें। इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डालें और खुशबू आने तक पका लें। एक एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालें। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दें। अल्पाहार डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 2 बड़ा चम्मच अल्पाहार डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और स्टफिंग को साइड में रख दें। एक मध्यम आकार का उबला और मैश किया आलू लें। इसमें 1 कप भीगा हुआ सच्चा साबु साबुदाना डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें और अच्छे से मिला लें। साबुदाना की मिक्सचर से एक बड़ा सा बॉल बनाएं। इसमें 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग भर दें। एक पैन में तेल गरम करें और सभी टिक्कियों को मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक पका लें। मैं यहाँ पे इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एक ओर से गुलाबी रंग आने पर पलटकर दूसरी ओर से भी पका लें। सच्चा साबु साबुदाना नवरत्न टिक्की बनकर तैयार है। इसे टमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म परोसें।